दोस्तों दिनों दिन बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं पास में, और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 2 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपके साथ शेयर किए थे कुछ आइडियाज और कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप काफी अच्छी अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको यहां दिखाई दे रही होगी। आप यहां जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं और आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के अंदर। उस वीडियो के अंदर एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहां पर मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कुछ ऐसे आइडिया कि कैसे आप अपने आंसर्स को आंसर शीट के अंदर काफी प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं और जो काफी इफेक्टिव लगेंगे। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरुजी। दोस्तों आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है अपने पेपर की, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है यहाँ पे वो ये लगता है कि आपने अपने आंसर को कितना इफेक्टिवली लिखा है कॉपी के अंदर, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास बहुत सारी कॉपीज है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर्स है, उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके आंसर को एक 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 करके पढ़ेगा या फिर एक एक वर्ड पर ध्यान देगा। तो यहाँ पर जो मेन एक फैक्ट काम आता है वो आता है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आप उसको डीपली लिख रहे हैं, कितना उसको इफेक्टिवली लिख रहे हैं, इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं अपने टिप्स की बात करता हूं तो सबसे पहली टिप ये निकल के आती है कि आपको शुरुआत के 15 मिनट अपने क्वेश्चन पेपर को देने चाहिए और आपको ऐसे क्वेश्चन को टिक करना चाहिए जो आपको सबसे पहले करने हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी होगी शुरुआती तौर पर आप सारे आंसर बहुत अच्छे से लिखते जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देगी एग्जामिनर को। तो ये जो एक टिप है वो यहाँ पे ऐसा काम करती है कि आपकी कॉपी के शुरुआत के 10-15 पेजेस जो है वो काफी अच्छे तरीके से चलते हैं। तो बाद में अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता है तो एग्जामिनर उसको इतना ज्यादा गौर नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में, उसके दिमाग में एक बहुत अच्छी इमेज बन चुकी है कि आपने शुरुआती जो आंसर है वो सारे बहुत अच्छे तरीके से कर लिए थे। अगली जो यहाँ पे एक टिप निकल के आती है वो ये आती है कि जो क्वेश्चन है, सपोज कीजिए वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो आपको उन सबको एक जगह पर करना चाहिए। सपोज कीजिए कि वेरी शॉर्ट के जो आंसर है वो 10 क्वेश्चन है, तो उनके 10 आंसर आपको एक जगह पे करने चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है तो उनको एक जगह पे करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने 2 क्वेश्चन कर दिए वेरी शॉर्ट के, फिर कर दिए शॉर्ट के, और फिर आप कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, फिर वो क्या है सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो ये एक यहाँ पे टिप काम आएगी कि आपको जिस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको एक ही तरीके से प्रॉपरली यहाँ पे करना चाहिए। अगली जो एक मेन टिप निकल आती है आपकी हैंडराइटिंग को लेके। अब देखो भैया, हैंडराइटिंग जिसकी जैसी है वो अब 10th और 12th क्लास में तो सुधरने से रही, लेकिन जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट आपको यहाँ पे अपनी हैंडराइटिंग को वहां देना चाहिए। और हैंडराइटिंग चाहे आपकी अच्छी है, चाहे बुरी है, चाहे एवरेज है, आपको एक जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जहां पर आंसर खत्म हो रहा है वहां पर आपको कम से कम 2 लाइनों का गैप देके एक प्यारी सी क्लोजिंग लाइन वहां पर खींचनी चाहिए। और क्लोजिंग लाइन के लिए आपको प्रॉपर स्केल का और पेंसिल का यहाँ पे यूज करना काफी बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग लाइन देते हैं, काफी गैप रखते हैं, तो आपकी कॉपी जो है वो काफी इफेक्टिवली लगती है। अब जो एक मेन बात आती है, सपोज कीजिए कि आपको 50 में से 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आपको 50 में से 20 क्वेश्चन नहीं आते तो आप क्या कीजिए कि 30 क्वेश्चन आपने शुरुआत में कर रखे हैं काफी अच्छी तरीके से, अब जो 20 क्वेश्चन है उन्हें आप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जितना आता है उन 20 क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए आपकी कितना अच्छा आप लिख सकते हैं, क्योंकि छोड़ने से तो बेटर है कि आप कुछ ना कुछ उनके बारे में लिखेंगे तो काफी एक हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको वहां पे नंबर जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, इस तरीके से अगर आप आंसर शीट के अंदर अपने आंसर्स को लिखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि काफी बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज जो मेरी अकॉर्डिंग काफी हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कुछ टिप्स और आइडियाज जिसकी लिंक आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो हो गई है आंसर शीट को लेकर कि कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब जो टिप्स है वो आपके काफी एग्जाम के अंदर काम आने वाली है। दोस्तों जिन व्यूवर्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे रेड बटन को दबाए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी की और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए डेली लेकर आता रहता हूँ।